Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks. Leaving no child behind. Today we are going to revise our final chapter that is the wave motion and sound. Right. तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आज हम लोग रिवाइज करेंगे एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन बेसिज ऑन दिस क्वेश्चन दिस चैप्टर मेन फोकस राइट तो बेसिकली हम लोग सबसे पहले तो रिवाइजन करेंगे और ये जो रिवीजन हम लोग करने वाले हैं इसके अलावा भी आपको रिवीजन करना है ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ इसी रिवीजन को ही जो है फाइनल मान के छोड़ दें देन आप रिवाइज़ करना बंद कर दें ऐसा नहीं होगा ठीक है आप लोग मेरे साथ भी रिवाइज करेंगे एंड दिस इज़ यू कैन से कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर आप अपने नोट्स को प्रॉपर बना सकते हैं बिकॉज जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे वॉट यू नीड टू डू यू नीड टू डू मेकिंग श्योर दैट यू आर जोटिंग डाउन ऑल द पॉइंट्स इन योर नोटबुक जो भी कुछ छूट गया है उसे फटाफट से आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए कुछ और नई आपको थोड़ी बहुत चीज़ें मिल सकती हैं ठीक है चीके? कुछ चीज़ें आप नहीं सोच पाए थे उस वक्त अब आपको हो सकता है ऐसा कुछ आपको ऐसा अच्छा सा कोई टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए राइट सो देर आर चांसेस कि आज आपको जो है काफ़ी कुछ मैटर समझ में आ जाएगा और राइट सो वॉट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू मेक श्योर देट यू नोट एवरी सिंगल डाउन एवरी सिंगल पॉइंट यू शुड नोट डाउन दैट राइट कोई भी छूट गया हो तो वरना आप साथ, -साथ रिवेजन तो करते चलेंगे और राइट right? नाउ इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन आर टेलीग्राम चैनल तो आपको क्या करना होगा आपको लिखना होगा टी टीबी जीरो जीरो नाइन इन दी सर्च बॉक्स ऑफ द टेलीग्राम एप जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा ड्रॉप डाउन लिस्ट में नाइन्थ का चैनल अपेयर हो जाएगा यू कैन ज्वाइन दैट चैनल डीपीपीस एंड स्टडी मटीरियल अवेलेबल ओवर दर अलॉन्ग विद

For everybody and anybody, anybody can watch these video lectures and study from these. Practice the questions. Make sure you do the weekly quizzes. All right, and then um, uh, what you will be getting is the good marks and the uh, good rank. That would be good, right?

वो चीज़ें हम लोगों ने प्रोवाइड की हैं आपको जैसे स्टडी मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हैं सो वी हैव क्रिएटेड अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल फॉर यू ऑल सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर योर टारगेट्स ऑल राइट एंड दैट वुड बी अ गुड थिंग नेक्स्ट कम्स दी लेक्चर्स ठीक है वीडियो so so right? लेक्चर्स और द लाइव लेक्चर्स ये आपको प्रोवाइड किए जाएंगे देन कम्स द होमवर्क सबमिशन फीचर वॉट यू नीड टू डू इज यू विल बी डूइंग दी होमवर्क एंड देन यू विल भी सबमिटिंग टू अर्स तो बेसिकली ऐसा नहीं होगा ऑनलाइन टीचिंग है तो होमवर्क uh, छोड़ देते हैं राइट right? ऐसा नहीं होगा यू हैव टू डू द होमवर्क नेटेप करने होंगे एंड एवरी आफ्टर टू और थ्री वीक्स यू आर गोइंग टू अटैम्परिक टेस्ट पेपर ये जो पीरियोडिक टेस्ट पेपर होते हैं ये क्या करते हैं ये आपको बताते हैं कि भाई जो एग्जामिनेशन है फाइनल एग्जामिनेशन जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जामिनेशन में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपका स्पीड क्या होना चाहिए छोटा एंड यू कैन से अपने आप में फुल uh, पैकेज है ठीक है एंड नेक्स्ट कम्स द टेस्ट सीरीज अब टेस्ट सीरीज के अंदर पार्ट होता है, तो यू विल बी गेटिंग द बाई वीकली क्वेश्चन पीरियोडिक टेस्ट पेपर अलॉन्ग वीडियो क्लासेस और द लाइव क्लासेस है, तो ये आप लोग को जो है प्रोवाइड किए जाएंगे so, what you need to do is, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आप लॉन्ग कंसिस्टेंट स्टडी करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन द फुल पैकेज एंड इफ यू वॉन्ट टू जस्ट वॉन्ट टू टेस्ट यूर सेल्फ भाई तुम्हें कितना आता है कितना नहीं आता है क्या तुम्हें पूरा नॉलेज है जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो न ज्वाइन द टेस्ट सीरीज ठीक है तो रियली वॉन्ट टू बाई दैम देन यूज माई कोच सी वायर लाइफ टू गेट अ थर्टी परसेंट डिस्काउंट एंड देट विल गुड राइट डिस्काउंट वाली चीजें सभी को पसंद आती है राइट एंड द नेक्स्ट थिंग इज की अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इन पैकेजेस के बारे में और जानना चाहते हैं हाउ दे विल बी बेनिफिटिंग यू और यू शुड बी कंसिडरिंग दैम ऑर नॉट उसके लिए आपको क्या करना होगा यू नीट टू कॉल ऑन द नंबर नाइन वन नाइन फाइव फोर नाइन जीरो फोर डबल वन डबल वन तो जब आप इस नंबर पर पे कॉल करेंगे यू विल बी गेटिंग लाइक टू टाइप ऑफ पैकेजेस यू विल बी गेटिंग ऑल द नॉलेज ऑफ दीज पैकेजेस ठीक है एंड दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पता है कॉल करने पे सबसे ज्यादा अच्छी बात यही होती है कि आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी ठीक है जो भी जैसी भी कैसी भी आपका कोई भी डाउट वगैरह जो है वो सब क्लियर हो जाएगा

तो जो रिपल्स क्रिएट होते हैं उन रिपल्स से हमने स्टार्टिंग की थी हमने देखा था कि व्हाट इज दैट क्या पानी सचमुच में चले जाता है दूर दूर जाने जाता है पानी या फिर या फिर क्या चीज होती है जो ऐसा ऐसे इल्यूजन पैदा करती है सो बेसिकली एट दैट पॉइंट हमने ये देखा था कि पार्टिकल जो होते हैं पानी के वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहे होते हैं वो आगे पीछे नहीं हो रहे होते हैं एंड द वेव द वेव और द डिस्टर्बेंस दैट इज गोइंग अवे ठीक है सर्कुलर फॉर्म में जो रिपल्स हैं वो रिपल्स एक्चुअली में वेव हैं एनर्जी हैं एंड डिस्टर्बेंस विच इज गोइंग अवे राइट लेकिन पानी कहीं नहीं जा रहा है पानी वहीं का वहीं है बस वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है ठीक है और फिर ये बात भी हमने देखी थी कि ये जो भी डिस्टर्बेंस चल रहा है ये सिर्फ पानी की सरफेस पे चल रहा है राइट पानी के नीचे जो मछली अगर होगी तो उसको पता नहीं चलेगा कि ऊपर कोई वेव भी जा रही है कि नहीं राइट तो नीचे के पानी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा सिर्फ अपर लेयर में ही ऐसा हो रहा है ठीक है ये चीजें हमने देखी थी पहले बहुत ही ज्यादा स्टार्टिंग में की थी तो यहां से हमें जो है ये पता चला कि जो वेव होती है एक्चुअली में वेव क्या होती है सिर्फ एक डिस्टर्बेंस होता है ठीक है एक एक एनर्जी एक डिस्टर्बेंस जो कि आप आ, आ, पार्टिकल्स को देते हो ठीक है ताकि पार्टिकल्स क्या करें वाइब्रेट करें अपना मीन पोजीशन पे पीरियॉडिक मोशन करें राइट एंड देन वो एनर्जी को आगे फॉरवर्ड कर दे राइट right? तो बेसिकली वेव का मतलब क्या हुआ अगर हम वेव प्रॉपोगेशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट दी मूवमेंट ऑफ एनर्जी या फिर मूवमेंट ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ठीक है दैट इज द वेव दैट इज द ओनली थिंग यू शुड बी टॉकिंग अबाउट वेव इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वेव जब भी, भी ट्रैवल करती है तो ये आपको ध्यान रखना है कि मीडियम के पार्टिकल ट्रैवल नहीं करते राइट right? जैसे कि एयर के अंदर जैसे आई एम स्पीकिंग सो दैट इज अ साउंड वेव राइट तो ऐसा नहीं होगा कि एयर के पार्टिकल अपनी जगह छोड़ के दूर चले जाए एनर्जी को लेकर ऐसा नहीं होता है वो क्या करते हैं वाइब्रेट करते हैं और आगे 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 जो है उसको पास ऑन करते चले जाते हैं एनर्जी को ठीक है सो बेसिकली जब कभी भी वेव प्रॉपोगेट करती है तो वहाँ पे सिर्फ एनर्जी का मूवमेंट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर डिस्टर्बेंस का मूवमेंट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और, और, और मीडियम के पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होता है दैट इज़ वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अब यहाँ पे क्या होता है जब कभी भी कोई भी वेव किसी पार्टिकल को हिट करती है ठीक है किसी पार्टिकल को कोई एनर्जी मिल रही है कोई डिस्टर्बेंस मिल रहा है तो वो क्या करता है वो अपनी ही जगह पर के वाइब्रेट करता है ठीक है अपनी ही जगह पे रह के वाइब्रेट करता है एंड उसके बाद वो पास अपनी जो एनर्जी है वो आगे पास ऑन पास ऑन करते रहता है ठीक है सो बेसिकली ये जो वाइब्रेटरी मोशन है ये होते हैं पार्टिकल्स के किसके पार्टिकल मीडियम के पार्टिकल्स के होते हैं ठीक है थीके? अब या इसी तरीके से वेव आगे जो है प्रोबोगेट करती है डिस्टर्बेंस को आगे भेजती है फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर दे पास ऑन ठीक है उसको करते रहते हैं एनर्जी को पास ऑन अब आप देखिए वेव मोशन में एज यू कैन सी हेयर नो बडी इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर है ना कोई भी यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे आप ये देख पा रहे हैं छोटे छोटे क्रिएटर्स ठीक है ये क्रिएटर्स बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं जा रहे हैं ठीक है दे आर स्टिल स्टैंडिंग एट द सेम प्लेस बट दे आर डूइंग द मोशन दैट मीन्स कोई भी आप इससे बिल्कुल ईजिली समझ सकते हैं कभी भी कोई भी आ, किसी भी मीडियम के पार्टिकल को जब एनर्जी मिलती है तो वो अपनी ही जगह पर रह के वाइब्रेशन करता है और एनर्जी पास ऑन कर देता है यही काम यहां पे भी हो रहा है ठीक है यहां पे भी क्या हो रहा है दे आर जस्ट मूविंग अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन लेकिन अपनी जगह छोड़ के नहीं जा रहे पार्टिकल्स आर स्टिल देयर जिस तरीके से ये यह पर्सन यहां पर ऑलरेडी है ठीक है तो दैट्स हाउ अ वेव प्रोपोगेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ठीक है तो देखो वेव मोशन इज अ अस ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी वेव मोशन का एक इकलौता मतलब क्या निकलता है ट्रांसफर यू एनर्जी जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हो रहा है ठीक है फ्रॉम वन पॉइंट टूर विदाउट एनी एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर बिटवीन दीज पॉइंट मैटर मूवमेंट नहीं कर रहा है मैटर मतलब सॉलिड लिक्विड गैस दीज आर मैटर्स राइट तो इनके पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे हैं ठीक सिर्फ है सिर्फ और सिर्फ एनर्जी मूव कर रही है दैट इज द वेव मोशन एक्चुअली ठीक है यहां पर जो है इसके बेसिस पे वी वांट टू नो अबाउट इट तो मीडियम रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम लोग दो तरीके की वेव्स को देख पाते हैं पहली है मैकेनिकल एंड द सेकेंड वन इज द नॉन मैकेनिकल जिसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ठीक है तो बेसिकली यहां पर जो दो वेव्स हैं किसको मीडियम चाहिए प्रोपोगेट करने के लिए और किसको मीडियम नहीं चाहिए प्रोपोगेट करने के लिए ठीक है सो देर आर टू टाइप्स ऑफ वेज ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम ठीक है फटाफट से आप इसे देख लो राइट right, तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या एग्जाम्पल्स देखे थे देखो जो हमने ऐसे वेव्स को देखा जिनको मीडियम चाहिए मैकेनिकल वेव्स ठीक है इलास्टिक वेव्स इन्हें चाहिए मीडियम तो इसका मतलब अगर ये वेव्स आगे जाने की कोशिश कर रही हैं तो उनको क्या चाहिए मीडियम चाहिए वाटर हो सकता है लेट इट बी लिक्विड एयर ठीक है यानी कि गैसियस और इवन सॉलिड्स ठीक है लेकिन ऐसी वेव्स जिन्हें मीडियम नहीं चाहिए उन्हें हमने क्या बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि नॉन के एग्जाम्पल क्या है रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल लाइट जो सन से लाइट हम तक पहुंचती है वो वो भी एक वेव है एंड दैट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्योंकि वो वैक्यूम में से आती है एंड वैक्यूम इज नो मीडियम राइट तो बेसिकली ऐसे वेव्स जिनको मीडियम चाहिए उन्हें हम बोलते हैं मैकेनिकल या फिर इलास्टिक और ऐसे वेव जिन्हें मीडियम नहीं चाहिए प्रोपोगेट करने के लिए उन्हें हम बोलते हैं मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ठीक है उसके बाद हमने देखे थे इनके बीच के कुछ डिफरेंसेस अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो इलग, हम लोग बात कर सकते हैं इनकी कि यहाँ पर जो इलास्टिक वेव्स होती हैं यानी कि जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं वो क्या करवाती है मीडियम के पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवाती हैं ठीक है एंड देन जो एनर्जी है वो आगे फॉरवर्ड होती है लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करते हैं तो क्या होता है कि वो वैक्यूम के अंदर से जा रहे होते हैं राइट तो वैक्यूम में तो कोई पार्टिकल्स नहीं है सो so, वहां पे पार्टिकल्स मूवमेंट नहीं करते पार्टिकल्स की बजाय वहां पर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स वेरी करते हैं ठीक है एंड दे प्रोपगेट बिकॉज ऑफ दैट वेरिएशन इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है वहीं अगर हम बात करें मैकेनिकल वेव की तो इनकी काफी लो स्पीड होती है क्योंकि मीडियम के पार्टिकल को मिलेगा वो एनर्जी मिलेगा वो वाइब्रेट करेगा फिर एक अगले पार्टिकल को देगा वो वाइब्रेट करेगा फिर अगले पार्टिकल को एनर्जी देगा तो ये पासिंग 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 करते करते काफी देर हो जाती है दैट दैट इज़ दे हैव अ वेरी लो बट अगर हम किसकी बात बात करें um, uh, right? बात करें नॉन मैकेनिकल राइट की तो वो बहुत तेजी से आते हैं जैसे कि लाइट लाइट का स्पीड कितना है सबको पता है इनका बहुत ही तेज स्पीड होता है ठीक है ये सेकेंड डिफरेंस था उनके बीच में इलास्टिक वेव्स जो है इनकी काफ़ी लो फ्रीक्वेंसी रहती है ठीक है एंड दे हैव अ हाई वेवलेंथ बट अगर हम यहाँ पर देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तो इनका फ्रीक्वेंसी हाई रहता है लेकिन वेवलेंथ लो रहता है ठीक है इलास्टिक वेव जो है वो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूड दोनों हो सकती हैं जबकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है वो सिर्फ ट्रांसवर्स होती है ठीक है अब हम बात करते हैं दो ऐसे वेव्स की जिनका बेसिस हमने क्या लिया कि वो पार्टिकल्स को कैसे वाइब्रेट करवाती है मतलब कोई भी वेव अगर जैसे उसने हिट किया तो पार्टिकल ऊपर नीचे ऊपर नीचे वाइब्रेट करना है यानी कि परपेंडिकुलर टू दी वेव प्रोपोगेशन या फिर अलोंग द वेव प्रोपोगेशन ठीक है इसके बेसिस पे हमने दो जो है वेव्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गीट्यूडिनल वेव ट्रांसवर्स वेव मैंने बताया था आपको परपेंडिकुलर मोशन होता है किसका पार्टिकल्स का मीडियम के पार्टिकल्स का किसके डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव वेव जिस डायरेक्शन में आ रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल्स जो है वाइब्रेट करते हैं जो है वाइब्रेटरी मोशन करते हैं वहीं अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल की बात करें तो लॉन्गिट्यूडिनल में वो क्या करते हैं आगे पीछे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वे जो है वो वाइब्रेट करते हैं ठीक है इसको रिम्बर करने के लिए मैंने क्या बताया था टी को आप देख सकते हो दैट कैन बी टेकन एज द पर्पेंडिकुलर टी बन जाएगा राइट दिस वुड बी द टी तो दैट वुड बी शोइंग यू द पर्पेंडिकुलर लेकिन इसमें लॉन्गिट्यूडिनल लॉन्गिट्यूडिनल या फिर तुम अलोंग बोल सकते हो ठीक है सो दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसवर्स इन द लॉन्गिट्यूडिनल वे अब देखो ट्रांसवर्स वेव कुछ इस तरीके से होती है पार्टिकल्स वहीं के वही है पार्टिकल्स वही के वही है बट पार्टिकल्स आर मूविंग अप एंड डाउन वेव आगे जा रही है वेव आगे जा रही है और जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं वाइब्रेट कर रहे हैं सच टाइप ऑफ वेव इज नोन एज दी ट्रांसवर्स वेव इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखो ट्रांसवर्स वेव के पानी के ऊपर जब हमने रिपल्स देखा था तो पार्टिकल्स कैसे देखो जो रिपल्स जो सर्कल्स जो बनते हैं वो सर्कल्स दूर जा रहे होते हैं वो रिपल्स दूर जा रहे होते हैं ठीक है एंड जो पार्टिकल है वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं तो दैट इज ट्रांसवर्स पर पेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द वेव राइट तो दैट शोज द ट्रांसवर्स वेव ओवर ट्रांसवर्स वेव की क्या खासियत है कि उसमें होते हैं क्रैस्ट इन थ्रो तो देखो ऊपर वाला जब पार्टिकल ऊपर जाता है तो दैट इज क्रेस्ट एंड जब पार्टिकल बिल्कुल नीचे जाता है दैट इज़ यू कैन से मिनिमम जो है नीचे चला जाता है उतना ही दूरी पे जो है जैसे पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे जाएगा ठीक है सो द लोवेस्ट पॉइंट जितना दूर वो जा रहा है दैट इज द ट्रो एंड द दाइएस्ट पॉइंट जितना दूर वो जा रहा है अपने मीन पोजीशन से दैट इज क्रेस्ट ओवर उसी तरीके से अगर हम एक रोप के एंड को बांध दें और उसको झटका दें तो जिस तरीके का वेव उसमें होगा दैट वुड बी ऑल्सो अ ट्रांसवर्स वेव ठीक है फिर हमने देखा था लॉन्गिट्यूडनल वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव में आप देख सकते हैं किस तरीके से आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे इनका मूवमेंट हो रहा है दैट मीन यहाँ पे जो वाइब्रेशन हो रहा है वो अलोंग द वेव हो रहा है ठीक है एंड दैट इज नोन एज द दूडिनल वेव ठीक है जैसे यहाँ पे देखिए पार्टिकल्स अपनी ही जगह पे हैं पता है वो सिर्फ आगे पीछे आगे पीछे मूव करे हल्का सा वाइब्रेट करे आगे पीछे आगे पीछे एंड एज यू कैन सी देयर आर द एरियाज देयर आर द रीजंस ऑफ यू कैन से द कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन रेयर फैक्शन मतलब जहाँ पार्टिकल कम है है ना डेंसिटी कम है तो वहां पे क्या होगा लो प्रेशर लो डेंसिटी वो कौन होगा रेयर फैक्शन और जहां कंप्रेशन है कंप्रेशन है दैट मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर वेरी हाई इन दैट रीजन एंड डेंसिटी इज वेरी हाई तब हम क्या बोलेंगे कि वहां प्रेशर और डेंसिटी हाई है इसी वजह से हम उन्हें बोलेंगे कंप्रेशन रीजन तो जब कभी भी लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसे आगे आती है प्रोपोगेट करती है तो वो क्या करती है दो रीजन्स क्रिएट करती है कैन यू सी मूवमेंट ऑफ दीज रीजन्स ठीक है एक बार तो बहुत सारे पार्टिकल्स आ रहे हैं फिर बहुत कम पार्टिकल फिर बहुत ज्यादा पार्टिकल फिर कम पार्टिकल फिर बहुत ज्यादा पार्टिकल एंड द मोशन गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन ठीक है तो जब कभी भी लॉन्गिट्यूडिनल वेव जाती है प्रोपोगेट करती है तो वो रेयर फैक्शन एंड कंप्रेशन दो तरीके के रीजन क्रिएट करती है जिस तरीके से ट्रांसवर्स वेव क्रेस इंट्रो को क्या करती है फॉर्म करती है ठीक है वैसे ही ये भी करती है ठीक है नाउ इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पे देखो ट्रांसवर्स वेव में क्या करते हैं पार्टिकल्स परपेंडिकुलर मूव मोशन करते हैं वेव मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं लॉन्गिट्यूडनल में वेव मोशन के अलोंग पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं ठीक है ट्रांसवर्स जो है उसके अंदर ये सॉलिड्स और लिक्विड की सरफेसिस में ही ट्रैवल कर सकते हैं बट लॉन्गिट्यूडनल वेव लिक्विड सॉलिड एंड गैसेस तीनों में ही जो है प्रॉपागेट कर सकती हैं दीज लॉन्गिट्यूडनल वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रांसवर्स के एग्जाम्पल्स हैं एंड यहाँ पर अगर हम देखें साउंड वेव्स, वेव्स ऑन स्लिंकी स्प्रिंग तो ये जो है ये किसके एग्जाम्पल्स हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव के एग्जाम्पल हैं ठीक है, है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दैट वी आर मेकिंग श्योर कि भाई यहाँ पे जितने भी आपको एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं ठीक है वो आप किस कैटेगरी पर देख पाते हो आप ये देख पाते हो कि पार्टिकल जो है वो किस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं आर दे डूइंग द मोशन पेंडिकुलर टू द वेव मोशन और अलॉन्ग द वेव मोशन ठीक है नाउ नेक्स्ट कम्स द वेव टर्मिनोलॉजी तो हमने सबसे पहले देखा था एप्प्लीप्लीट्यूड मतलब जब कभी भी वेव किसी पार्टिकल को हिट करती है तो पार्टिकल क्या करता है अपने मेन पोजिशन पर पहले आराम से बैठा था एनर्जी ने हिट किया तो वो जाएगा दूर तो वो जितना दूरी तक जाता है दैट इज नोन एज द एप्लीटूड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजिशन दैट इज दम्पलीट्यूड ठीक है और यहाँ पर क्या होता है अब जो पार्टिकल है उसको एनर्जी ने हिट किया तो वो दूर तक गया अपना एम्पलीट्यूड तक गया मैक्सिम डिस्प्लेसमेंट वापस अपना मेन पोजिशन पर आ गया ठीक है अब यही पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा जितना यहाँ किया था ठीक है तो उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा अगेन वो अब मेन पोजिशन पर आ जाएगा एंड दिस इज नोन एज वन वाइब्रेशन अब तक मेन पोजिशन से जाना

एंड वापस आया फिर से एम्पलीट्यूड तो देर आर फोर टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड दैट इज वाई फोर टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड इन बर्न वाइब्रेशन आप ग्राफ से कैसे पता करोगे देखिए इसका हाइट दिस हाइट वुड बी द एम्पलीट्यूड ऑफ द वे ठीक है दिस वुड बी द एम्पलीट्यूड चलिए अब हम देखते हैं सेकेंड वन दैट इज द वेव लेंथ एक वेव की लेंथ वेव लेंथ क्रेस्ट और ट्रो के बीच का लेंथ वेव लेंथ. एंड रेयर फैक्शन के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज ठीक है तो आप देख सकते हैं यहां से लेके पूरा यहां तक दैट इज वन वेव ठीक है एक बार ऊपर जाएंगे एक बार नीचे जाएंगे दैट इज वन वेव दैट इज नोन एज द लेमडा ओवर डिनोट है वेव लेंथ को हम लेमडा से डिनोट करते हैं ठीक है फिर आप देखो एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस इज ऑल्सो लेमडा ठीक है एक ट्रो से दूसरे ट्रो तक का डिस्टेंस वुड बी द लमजा और लॉन्गिट्यूडनल वेव के केस में कंप्रेशन से अगले एक कंप्रेशन से अगले कंप्रेशन तक का वेव लेंथ ठीक है एक रेयर फैक्शन से अगले रेयर फैक्शन तक का वेव लेंथ ठीक है चलिए उसके बाद देखा था हमने टाइम पीरियड टाइम पीरियड क्या होता है टाइम पीरियड होता है एक वेव को लगने वाला टाइम मतलब एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा पार्टिकल को दैट इज द टाइम पीरियड अब क्योंकि है ये टाइम तो एस यूनिट विल बी सेकेंड ठीक है सो बेसिकली हम बोलेंगे इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक आने में कितना टाइम लगा दैट इज द टाइम पीरियड यानी कि वन वेव को होने में कितना टाइम लगा ठीक है उसके बाद देखिए फ्रीक्वेंसी अब ये फ्रीक्वेंसी ठीक आपोजिट है कैसे किसका अपोजिट है टाइम पीरियड का फ्रीक्वेंसी में हमने देखा था कि एक सेकंड के अंदर कितने वाइब्रेशन हुए है ना कितने वेव कितने वाइब्रेशन हुए एक सेकंड के अंदर दैट इज द फ्रीक्वेंसी ठीक है तो ये टोटली अपोजिट है इसको जो है इसका जो यूनिट है वो हर्ज है दैट इज़ वन अपॉन सेकेंड सेकेंड इनवर्स भी बोलते हैं इसे ठीक है और जो है हम इसे स्मॉल एन से डिनोट करते हैं कैपिटल एन से और कभी कभी एफ से भी कर देते हैं उसके बाद देखिए रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी इन द टाइम पीरियड तो देखो हमें पता है कि भाई मान लिया एन बी द फ्रीक्वेंसी हमने एन को फ्रीक्वेंसी मान लिया अब एन फ्रीक्वेंसी इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेकेंड के अंदर एन वाइब्रेशन हो रहे हैं राइट तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन वन सेकेंड इज एन है ना हमें पता है टाइम टेकन बाय एन वाइब्रेशन जो है वो वन सेकेंड है कि भाई एन वाइब्रेशन में वन सेकेंड टाइम लग रहा है तो वन वाइब्रेशन के अंदर कितना टाइम लगेगा वन अपॉन ऑन एन

मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट है ऐसा SI यूनिट और बहुत ईजी है ठीक है ये डिपेंड करता है कि भाई जो टेम्परेचर है उस पर भी डिपेंड करता है इवन दिस वे वेवॉसिटी इज कॉन्स्टेंट इन अ मीडियम ठीक है अगर मैं एयर की बात करूँ तो दैट वुड बी कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द एयर राइट अगर मैं लिक्विड uh, की बात करूँ तो द वेव का जो स्पीड है वेव विलॉसिटी वो लिक्विड में थ्रू आउट द लिक्विड वुड बी द सेम ठीक है अब रिलेशन देखिए वेव विलॉसिटी

दे नेक्स्ट टाइम टेकन बाय वन वेव इज टाइम पीरियड तो यू कैन कैट अप टू द टाइम पीरियड तो वेव लेंथ अपॉन टाइम पीरियड इज गोइंग टू गिव यू द वेवॉसिटी और हमें ये बात पता है थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि वन अपॉन टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी सो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू वन अपन टाइम पीरियड वेव विलॉसिटी इज इक्वल्स टू वेव लेंथ इन टू फ्रीक्वेंसी एंड दैट इज अर रिलेशन वी इज इक्वल्स टू एन लेमडा या फिर लेमडा एन ठीक है दिस इज द रिलेशन बिटवीन द वेव विलासिटी फ्रीक्वेंसी एंड द वेव लेंथ ठीक है ये तीनों का रिलेशन है एंड इस चैप्टर में दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन ओवर देयर है ना पूरे चैप्टर में यही है अब वेव मोशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखो कि वेव क्या होती है डिस्टर्बेंस होती है एनर्जी होती है जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाती है ठीक है सिर्फ एनर्जी जाती है कोई भी पार्टिकल मूव नहीं करता वो सिर्फ वाइब्रेट करते वो अपनी जगह छोड़ के कभी नहीं जाते ठीक है चीके? एनर्जी जो है ट्रांसफर जो हो रही है वो एक कॉन्स्टेंट स्पीड पर होती है सभी पार्टिकल्स अपने जो है एक कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन करते हुए एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं ठीक है वेव वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हमने देखा है एफ लेमडा ये एक कॉन्स्टेंट है थ्रू आउट अ मीडियम अगर हम एक मीडियम की बात करें तो ठीक है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल का जो वेलोसिटी है दैट इज डिफरेंट ठीक है, है, उनका जो vibration हो रहा तो हम ये बात करते हैं कि वेव एक जगह से दूसरी जगह तक कितनी गई हम पार्टिकल्स की बात नहीं कर रहे कि पार्टिकल अपने अपनी जगह छोड़ के कोई वाइब्रेशन कर रहा है तो वो कितनी तेज से कर रहा है या फिर कितना धीरे कर रहा है हम वो बात नहीं कर रहे हैं ठीक है चलिए देयर इज अ कंटिन्यूअस फेज डिफरेंस अमंग दी सक्सेसिव पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो पार्टिकल्स हैं जो कि सक्सेसिव पार्टिकल्स हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद तो ये जो मूवमेंट है ये जो पूरा का पूरा वाइब्रेशन हैं ये सेम फेज में करते हैं ठीक है वहीं अगर हम बात करें वेव मोशन की तो वहाँ पे ज़रूरी है कि कोई भी मीडियम जो है वो क्या सा होस्टिक हो ठीक है ताकि वेव जो है आगे जा सके इलास्टिक शुड बी लाइक इट हैज़ अचुरल टेंडेंसी टू अटेन इट्स ओन शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ द एनर्जी ठीक है दैट इज द मेन थिंग जो कि हमें समझनी है नाउ नेक्स्ट कम्स द साउंड साउंड हमने देखा था साउंड क्या होता है दैट इज अंसेशन ऑफ हियरिंग बेसिकली साउंड भी एक एनर्जी है जो कि हमें हियरिंग का सेंसेशन देती है कि हमने कुछ सुना बिकॉज सम एनर्जी स्ट्राइक्स आर ईयर ड्रम राइट दैट इज वाई वी आर गोइंग टू से दैट सो बेसिकली जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं ठीक है चीके? है ना और एनर्जी को आगे फॉरवर्ड करते हैं फिर वो वाइब्रेट करते, है, करते हैं एनर्जी को आगे फॉरवर्ड करते हैं एंड ये वाइब्रेशन की वजह से एनर्जी हमारे कानों तक आती है ईयर ड्रम पे टकराती है तब जाके हमें पता चलता है दैट वी हैव हर्ड समथिंग सो बेसिकली द साउंड गिव्स अस देंशन ऑफ हियरिंग ठीक है अब देखिए लेबोरेटरीज में जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो वेरियस इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस होती है मोस्ट कॉमनली दे यूज दिस ओवर देयर ठीक है इसको हम यूज करते हैं फिर तबला और यू कैन से दिस मच ऑफ ठीक है तबलक में ये जो uh, आप ये मैमबरेन देख पा रहे हैं दिस इज द मैम्बरेन जिसको स्ट्राइक किया जाता है और राइट वहीं पर अगर हम देख लें कि ट्यूनिंग फॉक्स ठीक है ये तबला हुआ फ्लूट ठीक है वॉयलिन ये जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें से, जिस से साउंड आती है उनको मेन इंपॉर्टेंटली यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द साउंड इन द लेबोरेटरीज ठीक है ट्यूनिंग फॉर्क में देखिए किस तरीके से हो रहा है जैसे ये जो प्रॉग्स हैं ये आगे पीछे वाइब्रेट करते हैं सो दे सेट द पार्टिकल्स इन मोशन कैसे वाइब्रेटरी मोशन करते हैं कैन यू सी द डिस्टर्बेंस द रेयर फैक्शन एंड द कम्प्रेशन ओवर हेअर दो तरीके के रीजनस क्रिएट हो रहे हैं रेयर फैक्शन एंड कंप्रेशन ओवर हेअर ठीक है तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंटली शोइंग यू द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द वेव कैसे वो मूव कर रही है बाय देशंस एंड द रेयर फैक्शन ओवर दर ठीक है अभी अपना मेन पोजिशन से मूव करते कैसे करते देखो दिस इज दी ये वो स्टेट है जब सब कुछ सही है अभी तक कोई एनर्जी नहीं क्रिएट हुआ है कोई वेव क्रिएट नहीं हुआ है तो ये जो ट्यूनिंग फॉक है ए एंड बी उसके दो प्रोंग्स हैं ठीक है ए एंड बी अभी तक नॉर्मल है तो आप देखो सारा का सारा जो एयर है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, है ना अब क्या होगा इसको एक बार स्ट्राइक करेंगे तो प्रोंग्स इस तरीके से खुल जाएंगे जब वो इस तरीके से खुलेंगे सो वॉट विल हैपन वो क्या करेंगे यहाँ पे पास्ट में जो एयर थी उसको आगे भेज देंगे तो नाउ यू आर गोइंग टू गेट कंप्रेशन है ना अब यहाँ पे आपको कंप्रेशन मिल रहा है ठीक है अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा दे विल कम बैक इन देअर ओरिजिनल पोजिशन तो यहाँ पर अब क्या हो गया है पार्टिकल्स को जगह मिल गई है तो दिस इज वॉट दिस इज नोन एज द रेयर फैक्शन ठीक है अब आप देखिए अब ये अंदर की तरफ प्रॉन्स जाएंगे जब ये अंदर की तरफ जाएंगे तो देअर इज मोर स्पेस नाउ देअर कम्स द रेयर फैक्शन पार्टिकल्स आर गेटिंग मोर स्पेस टू स्प्रेड आउट है ना तो यहां पर वी कैन से रेयर फैक्शन क्रिएट हो गया ठीक है अब अगेन जो यू कैन से प्रॉन्स हैं वो अपनी जगह पर वापस आ जाएंगे सो कम्स द होल यू कैन से वाइब्रेशन ठीक है पहले वो सीधे थे जब तक पूरा का पूरा एयर जो था यूनिफॉर्म था फिर वो गए इस तरीके से मुड़े राइट right? प्रॉन्स जो है इस तरीके से वाइब्रेट हुए तो फर्स्ट दे डिड लाइक दैट उसके बाद क्या हुआ कंप्रेशन किया उन्होंने एयर आसपास की जो एयर थी उसको कंप्रेस कर दिया अपना पोजीशन पे वापस आए अंदर गए तो देयर इज अ रेयर फैक्शन ठीक है तो मतलब बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स को जगह मिल ग, मिल गई स्प्रेड आउट होने के लिए राइट तो दैट इज द रेयर फैक्शन फिर वो वापस अपना ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए सो दैट इज द वन वेव या फिर वाइब्रेशन ठीक है तो देयर इज वन वाइब्रेशन और वन वेव ओवर देयर ठीक है इस तरीके से ही हमेशा हमें कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन मिलते हैं ठीक है उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था हम लोगों ने एक एक्टिविटी किया था जिसमें हमने ये देखा था कि क्या सचमुच में साउंड को एक मीडियम चाहिए प्रोपोगेट करने के लिए सो वट वी डिट हमने एक कांच का जार लिया ठीक है कांच का जार लिया ग्लास जार लिया इसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक बेल को सिचुएट कर दिया ठीक है इस इलेक्ट्रिक बेल का जो स्विच है वो हमने बाहर रखा एंड इसे हमें कॉर्क के साथ बिल्कुल एयर टाइटली इसको बंद कर दिया बेस में हमने क्या किया एक रबर का स्ट्रेच्ड मेम्बरिन हमने लिया और उसे बांध दिया ठीक है बीच में होल करके वहां से हमने वैक्यूम पंप को ज्वाइन कर दिया ठीक है अब क्या हुआ हमने स्विच ऑन किया जब हमने स्विच ऑन किया तो हमको बहुत ही कम आवाज़ आई किसकी इलेक्ट्रिक बेल की काफ़ी कम आई बिकॉज़ इट हैज़ टू ट्रैवल फ्रॉम दी फ्रॉम द ग्लास एंड ऑल ठीक है तो यहाँ पे हमें जो इलेक्ट्रिक uh, बेल है वो बजती हुई दिखाई भी देगी और हमको आवाज़ सुनाई भी देगी एंड देन हम क्या करेंगे धीरे धीरे वैक्यूम पंप को ऑन कर देंगे वैक्यूम पंप को जब ऑन करेंगे तो क्या होगा वो क्या करेगा एयर जो भी है एयर के मॉलिक्यूल जो भी है ना उनको सकआउट कर लेगा जैसे ही मॉलिक्यूल्स ख़त्म अंदर तो मॉलिक्यूल्स हैं ही नहीं तो धीरे धीरे आवाज़ आनी बंद हो जाएगी हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक बैल्ट जो है बज रही है है ना वो जो गोंग है वो स्ट्राइक कर रहा है बट उसके बावजूद भी हमें पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर जो एयर है वो यहाँ पे अब प्रेजेंट नहीं है तो हमको आवाज़ नहीं सुनाई देगी बट वी कैन सी द इलेक्ट्रिक बेल इन द रिंगिंग इन पोजिशन है ना तो दैट दैट अस कि सचमुच में साउंड को जो है सचमुच में मीडियम चाहिए इवन इसी के बेसिस पे हम लोग हम क्या बोल सकते हैं कि अगर मून पे कोई भयानक एक्सप्लोजन हो है ना तो भी उसकी आवाज़ हम तक कभी नहीं आएगी बिकॉज 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 मून के पास ना तो एटमोसफेयर है तो देर आर नो पार्टिकल्स ओवर देयर एंड मून एंड अर्थ के बीच में ढेर सारा वैक्यूम भी है तो बेसिकली वहाँ भी कोई पार्टिकल नहीं है तो उस एनर्जी को हम तक लाने वाला कोई है ही नहीं दैट इज देयर मेन रीजन कि पार्टिकल्स नहीं है तो एनर्जी भी हम तक नहीं आएगी एंड हमें साउंड नहीं सुनाई देगी ठीक है दैट इज द मेन थिंग वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि साउंड डज नीड दी यू कैन से अ मीडियम टू ट्रैवल उसके बाद देखिए हमने देखा था स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम तो हमने क्या चीज़ ये मेंशन किया था कि सॉलिड में पार्टिकल्स काफ़ी पास पास होते हैं है ना तो वहां पे जो पासिंग वाला गेम चल रहा है एनर्जी को पास ऑन पास ऑन पास ऑन करे वो काफ़ी तेजी से हो जाता है ठीक है वहीं पे अगर हम लिक्विड की बात करें तो सॉलिड के कंपेरिजन में लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर होते हैं है ना तो उसमें वाइब्रेशन को ऐसे एनर्जी पास ऑन करने में पार्टिकल्स को ऐसे एनर्जी पास ऑन करने में काफ़ी थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है ज़्यादा टाइम लगता है अगर हम सॉलिड के कम्पेरिजन देखें वहीं एयर के पार्टिकल तो बहुत दूर होते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है पार्टिकल्स को आगे एनर्जी फॉरवर्ड करने में है ना दैट इज़ द रीज़न कि जो वेव की साउंड है मतलब साउंड की जो एक्चुअली में वेव चल रही है उसको सॉलिड में से जाने में बहुत जल्दी वो चले जाएंगे लिक्विड में थोड़ा देर लगाएंगे और एयर में काफ़ी देर लगाएंगे बेसिकली वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज़ वेरी लेस एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड इज वेरी हाई ठीक है यही हमने जो है देखा था फिर देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर वन इज द पिच पिच मतलब पतली आवाज दैट इज द सेंसेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आप किसी आवाज में यह देखोगे कि पिच कैसी है और पिच किसकी पे डिपेंड करती है किसका सेंसेशन है दैट इज द फ्रीक्वेंसी का सेंसेशन तो अगर पिच अगर हाई होती है दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई ठीक है और ऐसा कब होता है वेन वी टॉक अबाउट अ हाई पिच वी टॉक अबाउट अ श्रिल वॉइस ठीक है जैसे कि हमिंग ऑफ अ बी साउंड ऑफ गिटार दैट इज ऑफ द हाई फ्रिक्वेंसी राइट जब कोई चिल्लाता है तो भी वो हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच पर चिल्लाता है वहीं पर अगर हम लो पिच की बात करें दैट इज द लो फ्रीक्वेंसी तो हम इसे क्या बोलेंगे हॉर्स साउंड बोलेंगे जैसे कि रॉर ऑफ अ लाइन तो दैट इज वेरी मच यू कैन से हॉर्स साउंड लो पिच साउंड लो फ्रीक्वेंसी साउंड बेसिकली और आप डाइग्राम से कैसे पहचानेंगे कि पिच कम है या ज्यादा है नंबर ऑफ वाइब्रेशन बिकॉज यू नो द फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन वन सेकेंड तो देखो इतने ही डिस्टेंस पे अगर मैं यहाँ पे वेव देखूँ ये वन वेव ये टू वेव और यहाँ पर अगर देखूँ तो दैट इज ओनली वन वेव तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज लेस इसका फ्रीक्वेंसी इज हाई यू कैन कैट दैट सेकेंड देखो लाउडनेस और सॉफ्टनेस तो ये जो लाउडनेस एंड सॉफ्टनेस है एक्चुअली में ये सेंसेशन है किसका एम्पलीट्यूड का ठीक है जब कोई भी एनर्जी हिट करती है पार्टिकल्स को बहुत ज्यादा एनर्जी से तो क्या होता है एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाता है है ठीक और जब कभी भी लो एनर्जी से हिट करती है तो एम्पलीट्यूड कम रहता है सो बेसिकली दिस लाउडनेस एंड सॉफ्टनेस इज एक्चुअली ऑफ एम्पलीट्यूड ओवर देयर आप इसको डायग्राम से कैसे पहचान सकते हैं डायग्राम से कैसे पहचान सकते हैं इस डिस्टेंस को देखो ये डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो हाई एम्पलीट्यूड यानी कि लाउड ये डिस्टेंस कम है तो लो एम्पलीट्यूड दैट मीन्स सॉफ्ट वॉइस ठीक है और जो लाउड साउंड होती है वो बहुत ज्यादा एनर्जी कैरी करती है ऑल्सो ये बहुत दूर तक सुनाई में आती है ठीक है अब देखिए क्वालिटी क्वालिटी क्या चीज होती है क्वालिटी को हम एक और बोलते हैं टिम्बरे वर्ड ठीक है word, तो बेसिकली जो क्वालिटी होती है क्वालिटी आपको क्या बता रही होती है कि किसी भी तरीके के साउंड अगर सेम एम्पलीट्यूड पर है सेम फ्रीक्वेंसी पर है ठीक है उसके बावजूद भी आपको डिफरेंट होगी क्योंकि आपको तबले की आवाज अलग सुनाई देगी ऑलवेज एंड आपको गिटार की वॉइस अलग सुनाई देगी ऑलवेज बाय सो ऐसा क्यों होगा बिकॉज ऑफ द क्वालिटी अब क्वालिटी को आप कैसे पहचानेंगे सच टाइप ऑफ थिंग्स जो कि आपको वेव फ्रंट्स मिल रहे हैं देखो ये ट्राइंगर वेव है दिस इज एन साइनोसडियल वेव तो ये अलग अलग टाइप्स की वेव है इनका वेव फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट है है एंड दैट इज दे हैव अ क्वालिटी ना आप दो पर्सन की आवाज भी अलग अलग समझ पाते हैं राइट right? आप अपने दो फ्रेंड्स की आवाज अलग अलग जान पाते हैं ठीक है तो ये जो अलग होने का चांस है ये किसकी वजह से हमें मिल रहा है क्वालिटी या फिर चंबे की वजह से मिल रहा है ठीक है नेक्स्ट कम्स द इंटेंसिटी तो इंटेंसिटी क्या होता है कितना एनर्जी कितने टाइम और एरिया में से जा रहा है सिटी is, is जितनी ज्यादा एनर्जी होगा उतना ज्यादा इंटेंसिटी होगा राइट right? तो वेन वी टॉक अबाउट द इंटेंसिटी वी टॉक अबाउट साउंड एनर्जी गोइंग थ्रू एन एरिया पर यूनिट टाइम और इसका जो ऐसा यूनिट है वो क्या है जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वेयर या फिर वॉट पर मीटर स्क्वायर इसको कैसे पहचानोगे यू कैन सी देखो छोटा एम्पलीट्यूड है थोड़ी सी एनर्जी है तो दैट इज लो इंटेंसिटी यहां पर देखो ज्यादा एनर्जी है ज्यादा एम्पलीट्यूड है ज्यादा एनर्जी है सो दैट इज हाई इंटेंसिटी ओवर देयर ठीक है चलिए अब हम देखते हैं लाउडनेस और सॉफ्टनेस जो हमारा इंटेंसिटी इन दोनों के बीच का डिफरेंस अब देखो लाउडनेस क्या होता है वो अलग-अलग कानों पे डिपेंड करता है मतलब सबके कानों का टेंडेंसी इज़ डिफरेंट तो सबके लिए लाउडनेस भी डिफरेंट होगा राइट तो लाइक इट वुड बी जैसे अगर हम बात करें कि किसी एक पर्सन के लिए जिसे ज़्यादा सुनाई देता है या फिर तेज सुनाई देता है ठीक है तो उस पर्सन के लिए बहुत ही ज्यादा लाउड वॉइस भी काफ़ी कम होती है है ना लेकिन अगर हम बात करें जैसे मान लीजिए वी टॉक अबाउट अ वेरी मच सॉफ्ट वॉइस किसी के लिए वो बहुत ही सॉफ्ट होगा सुनाई नहीं देगा किसी के लिए थोड़ा नॉर्मल होगा सुन जाएगा तो दैट डिपेंड्स ऑन ईयर्स ठीक है ये एक कैसी क्वांटिटी है दिस इज एन सब्जेक्टिव क्वांटिटी सबके कानों पे के लिए अलग अलग है एक ही साउंड अलग अलग हो सकती है सबके कानों के लिए ठीक है तो दैट डिपेंड्स ऑन ईयर्स द कैपेबिलिटी ऑफ ईयर्स वहीं अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी है दैट इज फिक्स्ड फॉर एवरी बॉडी ठीक है चाहे कम सुनाई दे रहा हो ज्यादा सुनाई दे रहा हो बट इंटेंसिटी वुड बी द सेम फॉर एवरी सिंगल बॉडी राइट चलिए अब हम देखते हैं सोनिक बूम सो so बेसिकली हम लोगों ने देखा था कि सोनिक बूम क्या होता है सोनिक बूम होता है जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट साउंड की स्पीड से तेज जा रही होती है है ना साउंड की स्पीड से जब कोई ऑब्जेक्ट तेज जा रही होती है तब ये सोनिक बूम हमें पता चलता है तो देखो तब ये केस हमें कब मिलता है साउंड वेव्स ऐसे सर्कुलर्स में जा रही हैं ठीक है सो so, ये है पॉइंट इज द सोर्स यहां पर सोर्स की वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी से कम है अब देखो जैसे जैसे सोर्स की वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी के बराबर हो जाती है तो क्या होता है सारे सर्कल्स एक ही जगह पे मीट करते हैं ठीक है दैट इज वी कैन से ये सिचुएशन कब क्रिएट होती है यहाँ पर सारी साउंड की एनर्जी इस पॉइंट पर इकट्ठी हो जाती है तो एक हमें क्या मिल जाता है एक कोन का इफेक्ट मिल जाता है और उसकी सरफेस पे हमें क्या पता चलता है हाई एनर्जी मिलती है क्योंकि सारी एनर्जी वहां पर कैसी हो जाती है कलेक्ट हो जाती है नेक्स्ट कम्स दिस इज दी यू कैन से सोनिक बूम क्यों क्योंकि यहां पर अब पार्टिकल जो है जो सोर्स है वो साउंड की स्पीड से भी तेज जा रहा है बहुत तेज जा रहा है राइट right? इन दैट केस साउंड पीछे रह जाती है है ना उसकी साउंड जो है वो पीछे रह जाती है एंड यू कैन सी द कोन फॉर्मिंग ओवर हियर यहाँ पे कोन फॉर्म हो रहा है दैट इज वाई जो एनर्जी है वो उसके कोन की सरफेस पे जो है बल्ज आउट हो जाती है ठीक है कलेक्टेड हो जाती है जब कभी भी ये सरफेस किसी को हिट करेगा तो कानों में अचानक से हाई प्रेशर एंड देन लो प्रेशर होता है इसकी वजह से देयर इज अ शॉक क्रिएटेड ओवर देयर जिसे ही हम क्या बोलते हैं शॉक वेव बोलते हैं ठीक है जीके? बहुत ज़्यादा तेज साउंड सुनाई में आती है सो देखिए इन दैट केस यहाँ पे देखो जो भी हमारा सोर्स है वो एपेक्स पे होता है इस कोन के एपेक्स पे होता है सारी एनर्जी यहाँ पर यहाँ पर इस कोन के पूरे सरफेस पे जो है कलेक्टेड हो जाती है एंड जब कभी भी किसी पर्सन को यहाँ पे शॉक वेव ऐसे स्ट्राइक करेंगी इस अगर कोई यहाँ पर पर्सन है ठीक है तो अगर उसको शॉक वेव स्ट्राइक करती है तो इन दैट केस कान जो कान का जो हमारा ईयर ड्रम है राइट right? तो उसके ऊपर प्रेशर अचानक से बढ़ जाएगा है ना एनर्जी ज्यादा हो जाएगी एंड देन अचानक से प्रेशर कम हो जाएगा दिस क्रिएट्स अ सेंसेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग शॉक वेव एंड दैट इज वाई यहाँ पर शॉक वेव हिट करता है जब कभी भी सोने बूम जाता है है ना तो दैट मीन्स वॉट यू नीड टू डू यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इवन ये इतना डिस्ट्रक्टिव होता है कि ये जनरली आ, अगर किसी पर्सन को पर्सन पे हिट करे या फिर किसी किसी बिल्डिंग पे कोई आ, एक लो कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग है क्वालिटी जो है काफ़ी लो है अगर उसके कंस्ट्रक्शन की तो वो पूरी बिल्डिंग गिर सकती है दैट मच ऑफ एनर्जी कंटेन्स राइट एंड इवन ग्लासेस जो हैं किसी बिल्डिंग के ग्लास शटर हो सकते हैं ठीक है सो बेसिकली so ये जो केस है वो हमारा वो केस है जब हम शॉक वेव और जो है सोनिक बूम को समझते हैं अब यहाँ पर देखो ये है ये किस बात का है जब का इसका जो स्पीड है ऑब्जेक्ट का जब स्पीड है वो साउंड uh, का स्पीड से कम है तो देखो दिस इज दी ऑब्जेक्ट जो उसके आसपास वेव जा रहे हैं ये जितना भी प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना ये एयर के फ्लो से अब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो प्रेशर कलेक्ट नहीं हो पाता जब कम उससे स्पीड से चल रहे होते हैं लेकिन जब प्रेशर इकट्ठा होने लगता है जब ये क्या करता है बिल्कुल एयर uh, जो यहाँ पे साउंड का जो वेलोसिटी uh, है उसी वेलोसिटी से जब कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो इस केस में क्या होता है यहाँ पर एक बैरियर क्रिएट हो जाता है यहीं से शॉक वेव स्टार्ट होती हैं प्रेशर गॉट कलेक्टेड एट द सरफेस, एंड देन कम्स द सिचुएशन ऑफ दिस सिचुएशन जहाँ पर इस पूरे के पूरे uh, इस पूरे के पूरे आ, पूरे सरफेस पे कोन के पूरे सरफेस पे सारा एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी रहता है बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर रहता है और जब ये किसी को स्ट्राइक करता है तो इन दैट केस आपको क्या मिलेगा बहुत ज़्यादा एनर्जी अचानक से बहुत ज्यादा एनर्जी इंक्रीज एंड डिक्रीज होगी एंड दैट विल गेट यू सेंसेशन ऑफ शॉक वेव ठीक है तो यहाँ पर आपको एक बात जो है पता होना चाहिए Then comes, हम लोग क्या देखा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर किसी भी साउंड पे क्या इफेक्ट होता है राइट right? मतलब उसका वेलोसिटी uh, पे क्या इफेक्ट रहता है ये चीज हम लोगों ने देखी थी ठीक है वी टॉक अबाउट दैट और राइट तो यहां पर हम लोगों ने पूरा फॉर्मूला डिराइव किया था यूजिंग ऑल द थिंग्स ठीक है तो यहाँ पे फाइनली हमें फिर क्या फॉर्मूला मिला था कि ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे v इक्वल्स टू थ्री थ्री टू प्लस जीरो पॉइंट सिक्स वन टी ठीक है तो मतलब वन डिग्री सेल्सियस के इंक्रीज पे जीरो पॉइंट सिक्स वन मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी बढ़ जाती है साउंड की ठीक है ये हमने देखा था इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी में भी क्या होता है अगर इंक्रीज हुआ तो स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज होती है ऐसा हम लोगों ने देखा था बट वी टॉक अबाउट द मोलर मास ठीक है वाटर वेपर्स में भी क्या हो सकता है इंक्रीज हो सकता है अगर वाटर वेपर में इंक्रीज हो गया तो वहां पर जो है डिक्रीज होने के चांसेस हैं किसके मोलर मास ऑफ द एयर के ठीक है दैट इज वाई दिस हैपन्स इफेक्ट ऑफ विंड की अगर हम बात करें तो हमने ये देखा था कि अगर विंड का डायरेक्शन साउंड का डायरेक्शन एक ही है तो वेव वेलोसिटी बढ़ जाती है साउंड का वेलोसिटी बढ़ जाता है बट अगर साउंड uh, का डायरेक्शन डिफरेंट है वेव uh, जो uh, जो एयर है ब्लो कर रही है डिफरेंट डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पर जो साउंड का वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाता है ठीक है वी टॉक अबाउट दैट देन कम्स द रिफ्लेक्शन जिस तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट होती है बिल्कुल सेम एज इट इज साउंड भी रिफ्लेक्ट होती है दैट साउंड वेव स्ट्राइक किसी भी एक सब्सटेंस पे सरफेस पे स्ट्राइक करती है देन इट कम बैक्स इनटू द सेम मीडियम सेम लॉज को फॉलो करती है द टू लॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन देन वी ऑल्सो वेरीफाइड एट यूजिंग एन एक्टिविटी ओवर देयर ठीक है हमने इसे वेरीफाई किया था इसके कुछ एप्लीकेशन हैं जैसे कि हमारा मेगाफोन तो यहाँ पे भी इतना सारा रिफ्लैक्शंस होते हैं तब जाके ये वी गेट अ पैरल यू के से स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ दैट साउंड स्टैटसकोप The instrument used by the doctors to listen up to the uh, sound of the heartbeat and various sounds. साउंड बोर्ड ये सब ऐसी चीज़ें जहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का काफ़ी यूज़ है ऑल्सो इको इको इज़ अ गुड थिंग ठीक है जो कि काफ़ी टूरिस्ट प्लेसेस पे आपको देखने मिल सकता है आपको सुनाई में आ सकता है तो होता क्या है कोई भी साउंड जाती है किसी एक बड़े माउंटेन से टकराकर वापस सुनाई देती है दैट इज़ द इको आपको मल्टीपल इको भी सुनाई दे सकते हैं और सिंगल इको भी सुनाई दे सकता है देन कम्स द परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग प्रसिस्टेंस ऑफ हियरिंग का क्या मतलब है परसिस्टेंस ऑफ हयरिंग का मतलब है कि भाई जो भी दो साउंड है दो साउंड के बीच में अगर वन बाय टेन सेकेंड का डिफरेंस है तब आपको वो क्लियर सुनाई देगी वरना फिर आपको किसी एक की आवाज सुनाई नहीं देगी फिर आपको शोर सुनाई देगा मिक्स अप ऑल द साउंड ठीक है सो देर टू बी वन बाय टेन सेकेंड का डिफरेंस बिटवीन द टू साउंड ठीक है टाइम डिफरेंस होना चाहिए कंडीशन क्या होना चाहिए इको को होने के लिए कंडीशन होना चाहिए कि सोर्स और रिफ्लेक्टिंग बॉडी के बीच में सेवेंटीन मीटर्स का डिस्टेंस होना चाहिए ठीक है वेवलेंथ साउंड जो है वो रिफ्लेक्टिंग बॉडी के हाइट से कम होना चाहिए ठीक है एंड इंटेंसिटी इतना होना चाहिए कि टकराने के बाद भी आपको सुनाई में आ जाए वरना अगर वो खत्म हो जाता है इंटेंसिटी बहुत ही कम हो जाता है तो आपको साउंड सुनाई में नहीं आएगी ठीक है फिर हमने देखा था रिवर्बरेशन वट वॉज देट रिवर्बरेशन मतलब जो एक्चुअली में साउंड जब रिफ्लेक्ट होती है तो वो क्विकली खत्म नहीं होती धीरे 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 करके खत्म होती है राइट तो दिस इज नोन एज द रिवर्बरेशन और इस रिवर्बरेशन को कम करने के लिए काफ़ी कम करने के लिए सिनेमा हॉल्स एंड वेरियस हॉल्स में क्या किया जाता है बहुत बड़े बड़े कर्टेस लगा दिए जाते हैं बिकॉज दे एब्जॉर्ब दैट रिवर्बरेशन ऑल्सो साउंड बोर्ड्स लगाए जाते हैं ठीक है साउंड एब्जॉर्बिंग मटीरियल लगाया जाता है सो दैट वी कैन इंक्रीज द क्वालिटी साउंड क्वालिटी है ना इसको करने के लिए नेक्स्ट कम्स द रिलेशन जो कि हमने देखा था सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टू डी बाई टू वाई टू डी क्योंकि साउंड एक बार डी डिस्टेंस ट्रैवल करती है एंड टकराने के बाद वो वापस से डी डिस्टेंस ट्रैवल करती है दैट इज वाई इट इज टू डी ठीक है तो इको के केस में हम लोग ये फॉर्मुला यूज करेंगे देन कम्स द डिफरेंस जो कि हमने बताया था कि भाई कितना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए फ्रॉम अ रिफ्लेक्टिंग बॉडी टू दी टू दोर्स ऑफ द साउंड तो सेवेंटीन मीटर हम लोगों ने प्रूव किया था राइट right? देन कम्स दोनार सोनार के लिए मैंने आपको बताया था सोनार की डेफिनेशन है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग ये जनरली ये पता करने के लिए यूज होता है कि भाई आ, कोई भी सी डेप्थ को जानने के लिए कितना गहराई में है सी का सोफे सी का बेड ठीक है कोई भी कोई भी अलग सबमरीन अगर आ रही है तो भाई वो कहाँ से है कितना दूर है कोई फिश कोई शार कोई बॉडीज शी शोल्स ये जो भी इनका डिस्टेंस मापने के लिए वी यूज द सोनार सोनार में टू डिवाइसेज होते हैं हम लोगों ने देखा था ट्रांसमीटर एंड रिसीवर तो ट्रांसमीटर क्या करता है यूवी यानी वी कैन से अल्ट्रासाउंड जो है नॉट यूवी अल्ट्रासाउंड क्या है उसको एमिट करता है अल्ट्रासाउंड जाती है स्ट्राइक करती है एंड देन इट कम बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन एज एन इको एंड देन इट इज रिसीव्ड बाय दिस रिसीवर इनके बीच का टाइम इंटरवल रिकॉर्ड कर लिया जाता है एंड बाय यूजिंग द फॉर्मूला वी गॉट दी डेप्थ जैसे वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन वाटर टाइम रिकॉर्डेड बाय द रिकॉर्डर एंड डिवाइडेड बाय टू सो दैन दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू गेट दिस डेप्थ ऑफ द सी यूजिंग सोनार ठीक है उसके बाद देखो रीजन हम क्यों यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स को तो अल्ट्रासोनिक वेव्स के बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है तो ये किसी और यू कैन से चीज़ों को अच्छे से आने देती है ये पूरा का पूरा फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब हो जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल एंड ये एब्जॉर्ब नहीं होता किसी और से हमको पता चल जाता है फ्रीक्वेंसी ठीक है पूरे आ, सी में इसका फ्रीक्वेंसी कम नहीं होता सो बेसिकली दैट इज वाई वो हम तक रिसीवर तक वापस पहुंच जाता है एंड रिसीवर उसको कैचअप कर सके ठीक है उसके अलावा जो अलग अलग नॉइजेज होते हैं उससे कंफ्यूज नहीं होते यूवी रेज क्योंकि ये जो अल्ट्रासोनिक है नॉट यूवी रेज अल्ट्रासोनिक जो है ये अल्ट्रासोनिक एक्चुअली में हम नहीं सुन सकते है, है ना तो हम का हमारा कंफ्यूज होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता लेकिन कोई रिसीवर है तो उसके लिए भी दूसरी आवाज़ों से इसका कोई कन्फ्यूजन uh, क्रिएट नहीं होगा द रीज़न इज़ इट इज़ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ठीक है का बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है दैट इज़ द वे अब देखो हमने तीन तरह की वेव्स पढ़ी थी ऑडिबल अल्ट्रासोनिक इंफ्रासोनिक ऑडिबल का रेंज क्या होता है ट्वेंटी हर्ज से ट्वेंटी किलो हर्ज अल्ट्रासोनिक ट्वेंटी किलो हर्ज से ज़्यादा और इंफ्रासोनिक ट्वेंटी हर्द से कम ठीक है इंफ्रासोनिक वेव्स बड़े बड़े सोर्सेज से एमिट होती है अल्ट्रासोनिक वेव छोटे छोटे सोर्सेज से एमिट होती है ठीक है फिर हमने देखा था कि भाई अल्ट्रासोनिक वेव्स को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है तो क्वाड क्रिस्टल को वाइब्रेशन प्रोवाइड करवाकर जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस किया जाता है प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा था अल्ट्रासोनिक वेव्स की बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसकी ठीक है और ये जहाँ पर क्या होता है हर किसी में से भी जा सकता है सॉलिड लिक्विड गैस हर किसी में जा सकता है एंड दैट इज वाई इट हैज सम प्रॉपर्टीज हमने इसके एप्लीकेशन देखे थे कि भाई मेटल्स को वेल्ड करने के लिए भी जो है इसको यूज़ किया जाता है मेडिकल पर्पजेज अल्ट्रासाउंड जो होता है क्योंकि अल्ट्रासाउंड में क्या होता है जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है किसी मटीरियल से जो कि डिफरेंस होते हैं डेंसिटी में ठीक है डेंसिटी डिफरेंट होती है बेसिकली इन दैट और फिर देखो हमने देखा था ड्रिलिंग होल्स करने में भी बहुत यूज होते हैं ठीक है एक डिजायर शेप देने के लिए कोई हार्ड सब्सटेंस को उसमें यूज होता है क्लीनिंग पर्पसेस के लिए भी अल्ट्रासाउंड यूज होता है ठीक है देन कम्स दी कोई मैटल में अगर कोई लेट इट बी कोई दरार जैसे अगर आ जाती है ठीक है तो हमको वो नहीं डिटेक्ट होगी और इन दैट केस अगर हम उस मटेरियल को यूज़ कर लेते तो, तो हमारे लिए फ़ायदा नहीं होगा राइट तो इन दैट केस हम अल्ट्रासाउंड को देते हैं ठीक है अल्ट्रासाउंड को यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड क्या करती है जब कभी भी जाएगी तो वो छोटी से छोटी दरारें जो हमें पता नहीं चल रही हैं उनसे भी उनको भी डिटेक्ट कर पाएगी उनसे वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू गेट द डिटेक्शन ऑफ द एनी द डिफेक्ट ऑफ द मटीरियल क्या है कैसा है तो इस तरीके से अल्ट्रासोनिक भी जो है काफ़ी हमें काम आती है वेरियस एप्लीकेशन होते हैं इसके ठीक है इमल्शन ऑफ इमिसिबल लिक्विड का इमल्शन भी तैयार करती है ठीक है एंड नेक्स्ट काम्स दी बैट आपको पता है ये जो बैट होते हैं है ना ये भी क्या करते हैं अल्ट्रासाउंड को प्रोड्यूस करते हैं अल्ट्रासाउंड को एमिट करते हैं ठीक है ठीके? तो जहाँ पे इनका प्रे है इनका खाना ठीक है वहाँ से साउंड वेव ये जो अल्ट्रा साउंड वेव है वो वापस आती है दे हर एंड दे गेट अप टू दैट डायरेक्टली एंड दे गॉट द ब्रे प्रे राइट दैट इज अ मेन थिंग ये खुद भी क्या करते हैं इको लोकेशन करते हैं दैट मीनस सुनते हैं इको वापस आता है एंड दे लोकेट द प्रे दैट इज द इको लोकेशन बेसिकली ठीक है उसके बाद हमने देखा था ह्यूमन ईयर ह्यूमन ईयर इज द ऑर्गेन जो कि साउंड को सेंस करता है इसके थ्री पार्ट्स होते हैं आउटर ईयर है ना और मिडल ईयर एंड इनर ईयर अब मैं आपको टोटली totally पूरा बता देती हूँ आउटर ईयर में होता है पिन्ना ठीक है पिन्ना क्या होता है सारा साउंड को एब्जॉर्ब करता है कलेक्ट करता है यहाँ पे एयर प्रेजेंट होती है फिर आता है एक ईयर कैनल ठीक है ये ईयर कैनल टू टू थ्री सेंटीमीटर लॉन्ग होती है इसी कैनल के एंड पे होता है ईयर ड्रम जो कि एक स्ट्रेच्ड मेम्बरेन होता है ठीक है यहाँ से साउंड वेव्स आती हैं साउंड वेव्स आती हैं और इस ईयर ड्रम पे कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन को जो है यहाँ पर देती हैं ठीक है जिसकी वजह से ये वाइब्रेट करने लगता है नेक्स्ट कम्स द थ्री बोन्स कौन कौन आ गई हैमर एनविल स्टेरप पहले आती है इस ईयर ड्रम से कनेक्टेड हैमर वो वाइब्रेट करेगी वाइब्रेट हैमर से कनेक्टेड है एनविल वो वाइब्रेट करेगी एनवल से कनेक्टेड है स्टेरप वो वाइब्रेट करेगा स्टेरअप और आगे कौन किससे कनेक्टेड है ओवल शेप की विंडो का जो मेंबर है ना उससे कनेक्टेड है एंड इसके पीछे है एक कॉल्ड ट्यूब दैट इज नोन एज एंड ऑल्सो इट हैज लिक्विड्स इस पूरे लिक्विड के अंदर कौन है नर्व सेल्स हैं जो कि क्या करते हैं जो वाइब्रेशन मिले उस वाइब्रेशन की वजह से ये लिक्विड वाइब्रेट करेगा इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेट होंगे एंड वो इलेक्ट्रिक पल्स इस ऑडिटरी वेव्स के थ्रू ब्रेन में चले जाएंगे देन वी गोट टू हेवर द साउंड एंड ये जो तीन बोन्स हैं ठीक है थ्री बोन्स ये किससे कनेक्टेड हैं थ्रोट से कैसे बाय द हेल्प ऑफ एन यूस्टाचियन ट्यूब तो इसमें भी मिडल ईयर में भी एयर uh, प्रेजेंट होती है आउटर ईयर में भी एयर प्रेजेंट होती है बट इनर ईयर में एयर प्रेजेंट नहीं होती इसमें यहाँ पर जो थ्री बोन्स है यानी कि जो मिडल ईयर है ठीक है ये मिडल ईयर यूस्टैचियन ट्यूब से कनेक्टेड है एंड क्यूब ताकि ये एयर का प्रेशर मेंटेन करके रख सके ठीक है सो बेसिकली दैट इज दी कंस्ट्रक्शन एंड दी वर्किंग ऑफ दी ईयर जो कि हमने पूरा का पूरा पढ़ा था उसका स्ट्रक्चर देखा था उसका वर्किंग देखा था एंड वी ऑल्सो सी द इजी डेग्राम है ना हमने इजी डेग्राम भी देखा था ये देखो इजी डाग्राम जो कि बहुत आप इजीली बना सकते हैं अपने कॉपी में है ना रिमेंबर आई टोल्ड यू कि uh, इसमें पाँच मार्क्स का क्वेश्चन आता है जनरली ठीक है जिसमें आपको बताएंगे कि भाई तुम लिखो क्या लिखना है डायग्राम बनाना है उसको अच्छे से लेवल करना है वर्किंग लिखना है स्ट्रक्चर लिखना है ख़त्म है ना तो अगर आप ये बिल्कुल स्टोरी की तरह याद कर लोगे तो इट वुड बी बेटर बहुत अच्छे से रिमेम्बर हो भी जाता है भाई यहाँ होता है ऐसा ऐसा होता है ऐसा ठीक है so, सो हमने पूरा चैप्टर का रिवीजन कर लिया है राइट अब हम अगले क्लास में क्या करने वाले हैं ओलंपियड लेवल क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं मेक श्योर यू मेक श्योर अवेलेबल एंड आपको दिमाग में रखना है कि आपको उसके पहले भी रिवाइज़ करना है ठीक है नेक्स्ट लेक्चर के पहले पूरा चैप्टर रिवाइज़ कर लेना है उसके बाद हम लोग ओलम्पियड लेवल क्वेश्चन को ट्राई आउट करेंगे और राइट मेक श्योर यू डू दैट सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो प्लीज लाइक इट शेयर इट सब्सक्राइब इट एंड डू नॉट फॉर टू क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू विल रिमेन नोटिफाइड फॉर द अपकमिंग वीडियो थैंक यू सो मच